Good morning, India. फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को. एसएससी बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना. और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कम्प्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अनअकैडमिक ग्रुप. सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं कई सारे करंट अफेयर के सवाल जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेली सुबह 5 बजे आप उठते होंगे और 4-5 घंटे रेगुलर जो है अपना एक स्केड्यूल निकालते होंगे पढ़ाई के अंदर, जो कि आपको आने वाले लाइफ के अंदर बहुत मदद करेगा एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और एक अच्छे पर्सन बनाने के अंदर. क्योंकि अगर आप डेली सुबह उठ रहे हो तो काफी अच्छा आपके हेल्थ के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी है. तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, जो कि मैंने कल आपको दिया था, जो कि मेजरली लोगों ने सही आंसर किया है. चलिए दोस्तों, पहला सवाल था कल का आपका, हाल ही में अमेरिकी कार्गो अंतरिक्ष यान को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया था, इसका नाम क्या है आपको बताना है. तो देखिए दोस्तों, यूएस कार्गो स्पेस क्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उसको छोड़ा गया था, इसका नाम क्या था, सैगनस इसका नाम था. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. और ओके, इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया था. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें दोस्तों, तो आपको मालूम है ये स्पेस स्टेशन है जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के तौर पे काम करता है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है. इसके कंपोनेंट को लॉन्च किया गया था 1998 के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ओके, 1998 के अंदर इसको कंपोनेंट को लॉन्च किया गया और 2000 से ये पूरी तरीके से काम कर रहा है. ओके, कई सारे देशों ने इसको मिलकर जो है वो बनाया है. और बात करूं तो जैसे कि नासा हो गया यूएसए का, रॉस्कोमोस है रशिया का, जापान का है जक्सा. ठीक है, जापान का क्या है, जक्सा है, रॉस्कोमोस हो गया रशिया का. इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन यूनियन को अपन बोलते हैं ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ठीक है, इसके अलावा कनाडा का है कैनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा. इन 5 देशों ने मिलकर जो है इसको सेटअप करवाया था. ओके, जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट था वो इन्हीं लोगों का था, ओनरशिप और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इन्हीं इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटीज के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा करी गई. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. 2 पार्ट्स में इसका स्टेशन डिवाइडेड है, एक तो रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट है और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट है ना, जो कि कई सारे देशों के द्वारा शेयर किया जाता है. ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे की तरफ चलते हैं. भारतीय वायुसेना द्वारा आदेशित 15 चिनूक भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों में से पहला किस बंदरगाह पे प्राप्त हुआ है. तो पहला तो देखिए सवाल यहां पे ये है चिनूक को लेकर, कि ये चिनूक जो है, ओके, ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है इसको लेकर कि ये कहां पे बनते हैं. देखिए बोइंग वो कंपनी है, बोइंग जिसने इसको बनाया है, और भारत ने 15 हेलीकॉप्टर की डिमांड करी थी जिसमें से जो 4 है, ये मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, 4 हेलीकॉप्टर जो है वो भारत में पहुंच रहे हैं. अमेरिकन ट्विन इंजर्ड जो एंजेड हेलीकॉप्टर से, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, काफी भारी हेलीकॉप्टर है जिनको बोइंग के द्वारा बनाया गया है. अमेरिकन भी इसको काफी यूज में लेते हैं. ठीक है, और बात करें इसकी तो आंसर की, तो इसको कहां पे, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात के अंदर,
यहाँ पे इसको प्राप्त किया गया है, इंडियन एयरफोर्स इसको यूज करेगी। आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका रूस के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। 2008 के बाद से भारत ने यूएसए से 15 बिलियन के सैन्य उपकरण खरीदे या फिर अभी ऑर्डर करे हैं, जिसमें आपको मालूम है C-130 स्पेशल ऑपरेशन प्लेन है ग्लोब मास्टर, इसका नाम है ग्लोब मास्टर जो कि बहुत ही बड़ा है। C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, P-81 पनडुब्बी है, ठीक है, हार्पून मिसाइल, अपाचे चिन हेलीकॉप्टर, M777 लाइटवेट हॉविट्जर तोपे हैं, ये सब हमने यूएसए से लिया है। किस मंत्रालय ने ग्रीनवुड डीड्स अभियान शुरू करा है? ग्रीनवुड डीड्स अभियान के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब ग्रीनवुड डीड्स की बात करें तो इसको कौन किसने किया है, ग्रीन से आप नाम समझ सकते हैं ना कि ग्रीनवुड से, ठीक है, डीड अभियान किसके द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 500 से अधिक ग्रीनवुड डीड की एक सूची तैयार की है और कहा कि वह अपने ग्रीन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार को ग्रीनवुड बिहेवियर में बदल दे। ठीक है, तो डीड्स का मतलब होता ही यही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर खिताब 2019 का विजेता है? तो यहां पर विजेता भी कौन बना है चेन्नई ओपन का, कॉरेटिन है दोस्तों जो कि इस टूर्नामेंट के अभी विजेता बने हैं। ठीक है, फ्रेंच टेनिस प्लेयर है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को अभी रिसेंटली जीता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी खिताब 2019 को जीता? तो सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के बारे में आपको बताना है तो दोस्तों आपको मालूम है पंजाब रेलवे किसी टाइम पर राजस्थान की बहुत अच्छी टीम होती थी, लेकिन जो रेलवे की टीम है, रेलवे आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स में और इस वजह से रेलवे के काफी स्पोर्ट्स में चैंपियन बनते हैं। तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ही है जिसने इस टूर्नामेंट को जीता है। यह आप देख सकते हैं ग्वालियर के अंदर इसको खेला गया, पंजाब को 3-2 से इन्होंने हराया है। चलिए आगे तरफ देखते हैं, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अरविंद हरसिमरत कौर बादल ने क्रेमिका फूड पार्क का उद्घाटन किया, यह किस राज्य का पहला फूड पार्क है? आपको क्रेमिका फूड पार्क के बारे में बताना है, कौन से राज्य का है ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, जयराम ठाकुर अभी यहां पे, ठीक है, आपको मालूम है सीएम है, शिमला कैपिटल है, दूसरी कैपिटल के तौर पे देहरादून को माना जाता है। ओके, और अभी आचार्य देवव्रत है जो कि यहां पे गवर्नर है। यहां पे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3 है, लोकसभा की कितनी है, 4 है, और विधानसभा की कितनी है, 68 सीटें हैं। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 107 करोड़ रुपए की लागत से फूड पार्क की स्थापना करी गई है और फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्टर है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है? रेशम की आपको मालूम है दोस्तों भारत के अंदर जो है 4 कैटेगरीज है, ठीक है, और रेशम का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है भारत सिल्क का, पहला चाइना दूसरा भारत। आपको मालूम होगा मलबेरी हो गया, ईरी होता है, एक मूगा होता है, ठीक है, एक टसर होता है, ऐसे 4 तरीके की कैटेगरीज जो है वो भारत के अंदर सिल्क की मिलती है जो कि बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने बाफ्टा 2019 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो बाफ्टा ये ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल ब्रिटिश फिल्म अवार्ड है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, रोमा नाम की मूवी है जिसको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, 7 पुरस्कार 12 में से इसने यहाँ पे जीत लिया है। मैक्सिकन फिल्म रोमा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीती है और रामी मालिक ने यहाँ पे दूसरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है यहाँ पे जीता है। अगला सवाल है, विश्व दलहन दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? दलहन वर्ल्ड, ठीक है, पल्सेस डे आपको बताना है किस दिन जो है वो यहाँ पे मनाया गया। अब देखिए दोस्तों पल्सेस डे की बात करें तो ये किस दिन मनाया जाता है, 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10th February आपका यहां पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले की तरफ देखते हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर में दालों को जश्न मनाने और 2016 को अंतरराष्ट्रीय साल के साथ मनाए गए महत्वपूर्ण लाभ को जारी रखने के लिए इसको घोषित किया गया है। क्वेश्चन द डे है आज का आपका, स्वर्ण लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम
किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है जिसका आपको आंसर करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अपने एग्जाम की भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। 10% आपको कूपन कोड मिलेगा वाईफाई स्टडी यूज करेंगे तो, जिससे आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, नेवर नेक्स्ट डे 8 बजे वाली क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।